हेलो भाई लोगों, आप सबका मेरे चैनल पर एक और बार स्वागत है। तो अभी हम छत में आए हैं और आज से हम एक नया चैलेंज करने वाले हैं। आज से हम 365 डेज अब ब्लॉगिंग करेंगे और देखते हैं आप लोगों को हमें कितना सपोर्ट मिलता है। तो ये जो आपको दिख रही है, ये मैंने आज पहाड़ी टोपी पहनी है जो पहाड़ में बनती है। और तो चलो हम अपना पहला ब्लॉग आज शुरू करते हैं। तो ये हमारा प्यारा सा लक्ष्यसर गांव है और जो आपको वाइट कलर का घर यहाँ पे दिख रहा है, इसके आगे हमारा घर है। और ये जो आपको सामने पीपल का पेड़ दिख रहा है, वहाँ एक लक्ष्यसर मंदिर है, मतलब वह शिव जी भगवान का मंदिर है और वो बहुत पुराना मंदिर है। और ये सामने जो आपको नीचे नदी दिख रही है, ये गंगा नदी बह रही है। और कल दोस्तों हमने ब्लॉग उधर साइड स्टार्ट करा था, तो कल का ब्लॉग अगर आपने नहीं देखा तो वो ब्लॉग देख लेना। और ये आप नीचे देख सकते हैं, जो और टाफी अभी खेल रहे हैं। रुको, तो आज हम मई डांडा वाली रोड पे घूमने जा रहे हैं, वहाँ से हम आपको ऊपर से गंगोरी दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी हम जहाँ खड़े हैं, इस जगह का नाम भीम गुफा है। और माना जाता है कि जब लाक्षे ग्रह में आग लगी थी, तब जो वहाँ से जो सुरंग निकली थी, वो सुरंग यहीं निकली थी। और वो गुफा नीचे है और उस गुफा में 5 पांडव भी निकले हैं। तो हम अभी नीचे चलते हैं। तो दोस्तों ये वो गुफा है। तो अभी तो इधर ताला लगा हुआ है, इसके अंदर 5 पांडव निकले थे। तो ये गुफा उत्तराखंड के उत्तरकाशी के लक्ष्यसर गांव में है और इस गुफा का नाम भीम गुफा है। तो ये इसके सामने ये गंगा नदी है और कल हमने ब्लॉग उधर शूट किया था। तो अगर जिस दिन ये गुफा खुली होगी, उस दिन हम आपको एक यहाँ का अलग ब्लॉग बनाएंगे और उस ब्लॉग में हम इधर आएंगे। तो अभी हम मई डांडा साइड चलते हैं। आगे देख सकते हैं गणेश चतुर्थी की रैली निकल रही है और अब ये इधर टेकला पुल से होके आगे के लिए गए हैं। तो दोस्तों अभी हम मई डांडा की ओर जा रहे हैं, वहाँ फौजियों का कैंप है और वहाँ फौजियों की प्रैक्टिस होती है। तो अभी हम जिस रास्ते से जा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा चढ़ाई वाला है, तो थोड़ा सा पाँव भी थक गए हैं। और आप इस रास्ते को देख ही सकते हैं, ये कैसे चढ़ाई वाला रास्ता है। तो अभी हम उधर इधर नीचे से आए हैं, तो आप देख ही सकते हैं हम कितनी हाइट में आ गए हैं। और ये नीचे टेकला गांव है और अभी हम इधर ऊपर जाना है, ऊपर मई डांडा है। तो दोस्तों अभी हम इधर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इधर उधर सिर्फ पहाड़ी पहाड़। और अभी हम काफ़ी टॉप में आ चुके हैं, अभी मई डांडा बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो हम देखते हैं हम उधर तक पहुंच पाते हैं कि नहीं। तो आप देख ही सकते हो कि ये रोड कितनी मस्त और कितनी ज़्यादा शांत है। इधर सिर्फ आपको पानी की आवाज़ और जंगली जानवरों की आवाज़ आएगी। तो जो वो आपको आगे वो पुल दिख रहा है, उसके इधर वाटरफॉल आता है, तो मैं आपको वाटरफॉल दिखाता हूँ। और आप देख ही सकते हैं कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ऊपर से वाटरफॉल आ रहा है, ये ऊपर पहाड़ से आ रहा है। आजकल बरसात में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए जो पानी के झरने रहते हैं हर जगह आते हैं। दोस्तों अभी हम बहुत ऊंचाई में आ रखे हैं पहाड़ के। तो दोस्तों आज तो हम मई डांडा नहीं जा पाएंगे, क्योंकि पहाड़ों में यही सीन होता है कि कभी भी बारिश लग सकती है।
तो अभी बारिश स्टार्ट हो गई है, तो अगर हम मेरीडांडा गए तो हम भीग सकते हैं, इसलिए हम अभी घर जा रहे हैं। तो अगर आप इस वीडियो में 1K व्यूज तक लाते हो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पक्का मेरीडांडा की दिखाऊंगा। दोस्तों अभी बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ होने वाली है, तो अभी हम घर के लिए जल्दी से पहले भागते हैं, उसके बाद घर ही पे ब्लॉग को एंड करेंगे। तो चलो दोस्तों, अभी हम पहाड़ों से उतर के नीचे देखला आ गए हैं, और अभी थोड़ा सा बारिश भी कम हो गई है। और आपको जो ये पीछे कैंप दिख रहा है, ये फौजियों का कैंप है। इधर फौजियों का कैंटीन और यहाँ फौजी रहते हैं, BRF वाले। दोस्तों तो अभी हम अपने प्यारे से सुंदर से लक्ष्यसर गांव आ गए हैं, और अभी अंधेरा हो गया है। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय।